नमस्कार दोस्तों, सीटेट और एमपीटेट के ईवीएस और साइंस की तैयारी के लिए आज हमारा चैप्टर सिक्स है जिसका टॉपिक है परमाणु और तत्वों का वर्गीकरण, जो कक्षा 1 से 8 तक की ईवीएस और साइंस की बुक्स पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। परमाणु की अवधारणा हजारों वर्ष पूर्व भारतीय महर्षि कणाद ने प्रतिपादित की थी, जिसमें उन्होंने कहा था पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। अब तक 115 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। परमाणु के जनक जॉन डाल्टन कहलाते हैं, जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत बाद में अमान्य हो गया। परमाणु के मूल रूप में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के कण, उनके खोजकर्ता, उन कणों पर क्या आवेश होता है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कैथोड किरणें कहलाती हैं, जे जे टॉमसन ने इसका आविष्कार किया था और इस पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन जो एनोड किरणें कहलाती थी, इसका आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया, इस पर धन आवेश होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जो पूर्णतया उदासीन होता है। इसी तरह एक्स किरणों के खोजकर्ता हैं डब्ल्यू के रॉन्जन और रेडियोएक्टिव तत्वों के खोजकर्ता हैं हेनरी बेकुरेल और मैडम क्यूरी। अब तक परमाणु के 35 से अधिक सूक्ष्म कणों का ज्ञान हो चुका है, जिसमें से कुछ आवेशित व कुछ अनावेशित हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जबकि परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, यह समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं, पहला प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 और ट्राइटियम H3। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में कुछ अवधारणाएं, जिसमें प्राउट की परिकल्पना बाद में अस्वीकार कर ली गई, डोबेनियर का त्रिक अस्वीकार कर दिया गया, न्यूलैंड का अष्टक नियम ऑक्टेला अस्वीकार कर दिया गया, लोथर मेयर वक्र कर्व अस्वीकार कर लिया गया, मेंडलिप की आवर्त सारणी जो परमाणु भार पर आधारित थी उसे भी अस्वीकार किया गया, किंतु बाद में आधुनिक आवर्त सारणी की परिकल्पना आई जो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी, जिसे अंत में स्वीकार किया गया। इस तरह हमने ईवीएस की चैप्टर 6 परमाणु और तत्वों का वर्गीकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, जो क्लास 1 से 8 तक की बुक्स पर आधारित है, और ये सारी जानकारी साइंस के टीचर के लिए भी बहुत उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।